गुड मॉर्निंग. आज का प्लान ऐसा है कि देवबाग में एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करने वाले हैं, फिर मालवण में जाएंगे, वहाँ पे स्कूबा डाइविंग करेंगे. सो बेसिकली प्रियंका को आज मैं हवा में भी उड़ाने वाला हूँ और पानी में भी डुबाने वाला हूँ, बिकॉज शी हैज़ अ फियर ऑफ बोथ दिस थिंग्स. तो आज वो दोनों करने वाले हैं एंड देयर इज नॉट मच ऑफ राइडिंग. दोपहर तक इसी एरिया में रहेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और दोपहर के बाद फिर वेंगुरला जाएंगे. दोपहर को निकल के वेंगुरला जाएंगे और शाम में वेंगुरला पोर्ट देखना है. और आज का स्टे वेंगुरला में ही रहेगा और कल सुबह उठ के फाइनली ये राइड गोवा में एंटर करने वाला है. गोवा एंट्री तो आपको अगले हफ्ते ही देखने मिलेगी, लेकिन वेंगुरला तक आज पहुँच ही जाएंगे. अभी फिलहाल नाश्ता करने का टाइम है, ये हमारा स्टेफल फूड बन गया है, पोहे और चाय. पहले दिन से पोहे खा के सुनामी आइलैंड चलते हैं. सुनामी आइलैंड एक्चुअली ऐसी प्लेस है जो 2008 तक उसका नामो निशान नहीं था. 2008 में अचानक एक रात में इस क्रीक के बीचों बीच रेत का एक टापू बन गया, तो उसी को सुनामी आइलैंड का नाम दिया गया है क्योंकि बड़ी लहरों की वजह से वो आइलैंड बन गया था. को तैयार नहीं, अकेली जा रही हो पैरासीलिंग के लिए जाना है अभी. बहुत सी चीज़ें मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रही है, उसमें से एक पैरासीलिंग बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था. हवा में तो उड़ के आई हूँ, अब पानी में जाके देखना है. We are here at the Malvan Fort. सिंधुदुर्ग किला जो बोलते हैं, इट्स एन आइकॉनिक फोर्ट बिल्ड बाय शिवाजी महाराज. और यहाँ पे दिस इज स्कूबा डाइविंग साइट एट मालवण. थोड़ी देर में प्रियंका को यहीं पे डुबाने वाले हैं.
यहाँ से आगे की वीडियो में अगर मैं अकेला दिखा तो समझ जाना वो वापस ऊपर नहीं आई येणार आहेस वर परत ठेवणार आहेस काय मी थोडी घेऊन जाणार तो गाईड घेऊन जाणार कैसा लगा स्कूबा डाइविंग? बढ़िया, बहुत मजा आया। फाइनली मैंने किया। आ गई वापस ऊपर? पीछे जाने के बाद इतना कुछ नहीं लग रहा था डर। नीचे जाने से पहले क्या लग रहा था? वो दांत से निकल गया तो मुंह में पानी चला गया तो बहुत डर लग रहा था। लेकिन नीचे जाने के बाद मेरे साथ है, उनका हाथ तो मैंने छोड़ा ही नहीं एंड तक। और अभी बाहर आने के बाद कैसा लगा? मस्त। और ज्यादा नीचे जाने से पहले डर जाती तो बहुत कुछ मिस कर किया होता, लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है। नाउ इट्स टाइम टू विजिट दिस फोर्ट ऑफ सिंधुदुर्ग। किले में जाने के लिए बोट से ही जाना पड़ता है। वी आर राइट नाउ ऑन द जेटी। किले में जाके पूरा राउंड लेने के लिए कुछ डेढ़ घंटे का टाइम लगता है। वापस आके निकलेंगे वेंगुर्ला के लिए। तब तक थोड़ी धूप भी कम हो जाएगी, वुड बी बेटर टू राइड। आज तो मतलब अलग ही लेवल की खुशी है। कितनी चीज़ें हैं जो पहली बार की आज प्रियंका ने। स्कूबा डाइविंग पहली बार, पैरासाइलिंग पहली बार, एंड शी इज़ अफ्रेड ऑफ बोथ दिस थिंग्स। मतलब बहुत ज़्यादा पानी दिखे तो भी उसको डर लगता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से भी उसको डर लगता है, एंड शी मैनेज टू डू बोथ दोस थिंग्स। आई एम रियली हैप्पी फॉर हर। जैसा कहा था, आज के दिन में राइड तो कम है, लेकिन ये एक्सपीरियंसेस बहुत सही थे। Time check, it's 6 PM, 28th of March 2019. We are here in Vengurla. Vengurla port ki taraf ja rahe hain. And we hope to see a beautiful sunset from here. सो फ्रेंड्स, फाइनली द एंड टू वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग डेज ऑन दिस राइड। अभी वेंगुर्ला पोर्ट पे खड़े हैं, सनसेट हो चुका है। आज फाइनली सनसेट देखने को मिला। आधा यप आधा
क्योंकि होराइजन के पास फाइनली वो क्लाउड्स में चला ही गया. दिस इज़ द व्यू बिहाइंड अस, बहुत सुंदर है. सो कल सुबह यहाँ से उठ के गोवा के लिए निकलना है. फाइनली वी आर गोइंग टू गोवा, वो भी कंप्लीट कोस्टल रूट से किया है. गोवा तो आपको अगले हफ्ते ही देखने मिलेगा, टाइम लिमिट का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा. एनीवेज ये व्लॉग पोस्ट होने तक ये राइड तो ख़त्म हो चुकी होगी और शायद हम किसी और राइड पे होंगे या फिर किसी और राइड की प्लानिंग में होंगे. तो अगर आपको हमारे एक्सप्लोरेशंस के, हमारे राइड्स के रियल टाइम अपडेट्स चाहिए तो आपको क्या करना है? फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @countingkms. और हमारा FB का भी पेज ID सेम ही है @countingkms. अभी तक पूरा कोस्टल हमारे साथ घूम लिया है तो गोवा क्यों मिस कर रहे हो? सब्सक्राइब करो भाई, अगले हफ्ते वो भी व्लॉग आएगा. Just go out and ride. Keep counting kilometers.